बहुत सारे होते हैं, 100-200 तो हमारा एक मील तो साथ हो सपना था काम करने का, बिल्कुल ब्यूटिफुल जर्नी एंड इतना कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे इन लोगों का साथ. We can never thank Suraj sir enough for choosing us as their Meghna and Naina. क्योंकि सर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमें पता चला कि सर यू नो रियली वांटेड अस और सर ने हमें उस तरह से यू नो प्रेजेंट सेल किया और थैंक यू सर फॉर चूजिंग अस. क्योंकि अगर नहीं करते तो इतनी प्यारी जर्नी हम पर मिस आउट कर देते हैं. और आई विश ये थोड़ा लंबा हो पाता क्योंकि और चाहिए था, अभी दिल भरा नहीं था, बहुत जल्दी और एब्रप्टली हो गया सब कुछ. बट जो भी है, लुकिंग एट द गुड साइड, आई थिंक दिस इज़ फॉर एवर, दिस बॉन्डिंग दैट वी क्रिएटेड. राजश्री परिवार बनाया था और राजश्री ने यहाँ पे बहुत प्यारा परिवार बनाया है. एक एक इंसान इस सेट पे, एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द एक्टर्स, द यूनिट, द डायरेक्टर, ऑल ऑफ देम आर सच नाइस पीपल. यहाँ इतनी पॉजिटिव वाइब थी, मन करता था काम करो दिल से. और थैंक यू सर फॉर गिविंग अस दैट एक्सपीरियंस. बहुत ज़्यादा सो मच, बहुत सही बोला. पहले मुलाकात आप लोगों ने काफ़ी यादगार बताई अपने आप जी, उसके बारे में जानना चाहिए. उसके बारे में तो यही था, मतलब हम अभी तक ऑडिशन नहीं था वो. हाँ, एक सीन दिया गया और कहा कर लो और हमने कर लिया. आई थिंक इन्होंने 2-3 लोगों के साथ किया था और इन्होंने मुझे एंड में, बिकॉज वी वर गोइंग बैक टुगेदर दादर से, तो इन्होंने मुझे बोला था तुम होगी, क्योंकि मुझे लगता है केमिस्ट्री बेस्ट तुम्हारे साथ हुई. बिकॉज मैंने इसे कहा था एग्जैक्ट, ये मुझे जो फील हुआ था तो जान डाल दी थी उसमें. आई कुड एक्चुअली फील दैट कैरेक्टर जब मैं कर रही थी. अब मैं खुद इतनी कोई अच्छी एक्टर नहीं हूँ, मुझे ऐसा फील होता है, आई एम लर्निंग. सो जब मैंने इसे देखा मैंने कहा ओ माय गॉड, यही है, यही बन सकती है. हमारी पहली मुलाकात में ही वो बॉन्डिंग हो गई थी और वैसा हुआ, यू नो. पहले दिन से वो छोटी बहन वाली फीलिंग थी. जब ये हम साथ में वहाँ से निकले थे, इसे मैंने मलार तक ड्रॉप भी किया था, तो रास्ते भर में इसकी बातें सुन रही हूँ, बिल्कुल जैसे नैना बकबक बकबक करती रहती है और मेघना सुनती है, बिल्कुल वैसे संगीता अंकिता की वही बॉन्ड बन गई थी पहले दिन से. सो जिस नोट पे एंड हो रहा है उस नोट के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से एंडिंग दिखेगी? इट्स अ स्वीट एंड लवली एंडिंग फॉर द व्यूअर्स, बट हम बताना चाहेंगे कि हमारे शूट करते हुए वी वर नॉट फीलिंग दैट स्वीट एंड लवली, बिकॉज हम साथ साथ हैं, गा तो रहे हैं हम, बट सच्चाई है कि हम कल से साथ में नहीं हैं. और बहुत ही सैड, आई थिंक इट्स एन एक्टर्स जॉब कि जो आप नहीं भी फील कर रहे होते वो भी कभी कभी आपको दिखाना पड़ता है. यू नो व्हाट, आज 3 दिनों से हम रियल लाइफ में ज़्यादा एक्टिंग कर रहे हैं. हाँ, मतलब हमें शॉर्ट में ग्लिच लेना पड़ रहा है और असल में हम इतना सब रो रहे हैं और हम अपना रोना भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं. वो एक एडिट चीज़ है. सो फॉर द ऑडियंस इट्स अ हैप्पी एंडिंग, बट नॉट सो हैप्पी एट आवर एंड बिकॉज़ वी मिस दिस ऑल एंड प्लीज मिस अस. Thank you so much.